हेलो स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आपकी यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 26। सो अब यूनिट टेस्ट में आपको आंसर पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं, वी विल सी हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर एंड हाउ टू राइट द आंसर्स। नाउ सबसे पहले जितने भी आपकी टेस्ट होने वाली हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स की, आप पहले से आंसर पेपर उसका रेडी कर लो। जैसे आपको पहले टाइम टेबल में बताया गया था दैट आपको पिन पेज निकाल के बुक में से एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, सो सारे सब्जेक्ट के लिए आप एडवांस में प्रिपेयर कर लीजिए। नाउ टेक द पेपर, आप कैसे लिखोगे उसमें, सबसे पहले गिव द टाइटल, गिव इट यूनिट टेस्ट 1। ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट है आपकी, तो आप यहां पे टाइटल दे दो यूनिट टेस्ट 1। देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू राइट, व्हाट अदर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, फर्स्ट विल बी नेम। आपको नेम आपका पूरा मेंशन करना रहेगा, इट शुड बी फुल नेम, सिर्फ नेम नहीं चलेगा, सो इट शुड बी नेम, इनिशियल ऑफ योर फादर्स नेम एंड सरनेम। Understood students? Now comes standard. After name, आपको आपका standard mention करना है. Standard, whatever your standard is, आप जो भी standard में पढ़ रहे हो, आपको वो standard यहाँ पे लिखना होगा. Then next thing will be subject. आप कौन से subject का paper बना रहे हो? It is English, Math, Science, Social. जो भी पेपर आप बना रहे हो, आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिखोगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी डेट। नाउ डेट यू कैन राइट, डेट का ऑप्शन आपके बुक के पेजेस में दिया रहता है, आप वहां पे भी लिख सकते हो, इफ नहीं तो आप यहाँ पे मार्जिन में डेट को मेंशन कर सकते हो। सपोज 26 है तो 26/10/20 आप यहाँ पे डेट मेंशन करोगे तो भी चलेगा, एंड यहां पे लिखोगे डेट देन ऑल्सो इट इज ओके। सो दीज आर द नेसेसरी डिटेल्स विच यू हैव टू राइट, ये कंपल्सरी पार्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू के हाउ टू राइट, सो स्टैंडर्ड 5 चिल्ड्रन हैव टू राइट विद अ पेंसिल एंड स्टैंडर्ड 6-12 चिल्ड्रन हैव टू राइट विद अ पेन। नाउ पेपर को स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, यहां पे मार्जिन दी है आपको, आपके पेजेस में, आपके बुक के पेजेस में मार्जिन होती है, क्वेश्चन नंबर 1 से हमें स्टार्ट करना है। मार्जिन में प्रॉपरली हम क्वेश्चन 1 मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू, सो वी विल जस्ट मेंशन द क्वेश्चन एंड देन आंसर 1। वी हैव टू राइट ओनली द आंसर्स, आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको ओनली आंसर्स लिखने हैं। अब एमसीक्यू है, आंसर 1, क्वेश्चन 1 का आंसर 1 आपको मेंशन करना है। एमसीक्यू कैसे लिखोगे, अब क्वेश्चन 1 का जो आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, सो आप पहले ए मेंशन करोगे एंड देन आफ्टर वो ए ऑप्शन में जो भी दिया हुआ है वो आप यहाँ पे लिखोगे। Understood students? Next will be like question 2, 3, 4, whatever. How many, as many questions are there, आप margin में properly question number mention करो and then after उसका answer number भी properly mention करो. You have to write only the answers, questions नहीं लिखने हैं. So this was all about how to attempt the exam of unit test 1. All the best students.